सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कि अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और आप अपना अकाउंट किसी और ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कैसे आप अपने मोबाइल से उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका अकाउंट किसी ऐसे ब्रांच में है जो आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ती है या फिर आप कहीं ऐसे शिफ्ट हो चुके हो जहाँ से आपकी जो ब्रांच है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो कैसे आप अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हो अपने मोबाइल से घर बैठे, जिसके लिए आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और अपने मोबाइल से ही अपनी ब्रांच को चेंज कर सकोगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको क्या तरीका अपनाना है और क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जब भी कोई और वीडियो इस टॉपिक पर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अपनी ब्रांच को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में ओपन करना पड़ेगा कोटक महिंद्रा बैंक का एप्लीकेशन, जिसे मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। अब मैं इसे वेरीफाई करता हूँ क्योंकि मेरा इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। अब दोस्तों सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला सर्विस रिक्वेस्ट का, आपको इसे ओपन कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है बीच वाला अकाउंट सर्विस रिक्वेस्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। आप देखिए दोस्तों आपके सामने फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन आने लगे होंगे, जिससे आप अपने बैंक के जो भी और काम होते हैं वो उन्हें कर सकते हो अपने मोबाइल से ही। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना ब्रांच कैसे चेंज कर सकते हो। तो सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है चेंज ऑफ होम ब्रांच, आपको उस पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आप अपना अकाउंट CR नंबर डालकर चेंज कर सकते हो, या फिर आप दूसरे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो उनको तुरंत में CR नंबर याद नहीं रहता, तो मैं आपको दूसरे वाले पर क्लिक करके दिखाता हूँ जो सिंपल तरीका है। अब जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर क्लिक किया, आपका जो अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे मेरा हो चुका है। लेकिन अगर आपके अकाउंट एक से ज़्यादा होंगे इस ब्रांच में तो वो सारे नंबर जो अकाउंट नंबर होते हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। अब जिस वाली भी अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर लेना। तो मेरा एक ही अकाउंट है जो यहाँ पर शो रहा है, जिसका ये नाम आ रहा है मेरे अकाउंट का नाम, और मेरा अकाउंट किस ब्रांच में है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों मेरा अकाउंट इससे पहले आगरा ब्रांच में था, तो दोस्तों आज मैंने उसको आज ही चेंज किया है, तो मैं आपको चेंज करके ही दिखाऊंगा, लेकिन आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है एंटर पिन कोड का, आपको यहाँ पर वो वाला पिन कोड डालना है दोस्तों जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो। जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो वहाँ का जो पिन कोड है दोस्तों वो पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। जिस जगह आपका अकाउंट अभी है वहाँ का नहीं डालना है, जिस जगह आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो वहाँ का पिन कोड आपको डालना है। तो मैं नई वाली ब्रांच का यहाँ पर पिन कोड डालता हूँ जहाँ मुझे अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कराना है। अब देखिए दोस्तों नई वाली जो ब्रांच है वहाँ का जो एड्रेस है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जिस ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो ब्रांच का नाम, वो कोड आपने यहाँ पर सही डाला या नहीं डाला, क्योंकि वहाँ का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ क्लियरली शो हो जाएगा, जिससे आप पूरा आइडिया लगा सकते हो। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको ये बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका अकाउंट नई वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके सामने एक सक्सेसफुली वाला मैसेज आएगा, जैसे कि मेरे पास भी आ जाता। तो दोस्तों उसके बाद भी आपके फ़ोन पे एक मैसेज और आएगा, आपके उस नंबर पर आएगा जो नंबर आपके इस अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो जैसे कि मेरे नंबर पर आया मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपको उस नंबर पर भी एक मैसेज आएगा कंपनी की तरफ से, जब आप अपना ब्रांच चेंज करा लोगे इस तरह का, जैसे मेरे अकाउंट पर आया हुआ है देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि योर रिक्वेस्ट फॉर होम ब्रांच चेंज अंडर हैज बीन प्रोसीड, यानी कि मेरा जो अकाउंट है दोस्तों उसे चेंज कर दिया गया है और मेरा जो कस्टमर आईडी है, जो रिक्वेस्ट आईडी है वो यही है जो आपको नीचे दिख रही होगी। जी दोस्तों मैंने आज दिन में 3:25 पर इसे कंप्लीट किया था और अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी रात को 10 बज रहे हैं, यानी कि इसे मैंने आज ही चेंज किया था जिसका मैसेज मेरे पे आ चुका है। तो अगर आपको अपना अकाउंट चेंज कराना हो, आपको अपना जो ब्रांच है उसे चेंज कराना हो, तो आप इसी तरीके से अपने ब्रांच को चेंज कर सकते हो जो तरीका मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा तरीका अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप कैसे अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हो अपने मोबाइल से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।